आहत होना तो वीरता का चिन्ह होता है। वास्तव में हनुमान के कारण ही मेघनाद वध संभव हुआ है। उस जैसे मायावी अधर्मी के वध की प्रसन्नता की तुलना में ये घाव तो कुछ भी नहीं। सत्य कहा प्रभु, ये घाव तो मेरी इस औषधि के लेप से अवश्य भर जाएंगे, परंतु जो घाव रावण को मिला है वो घाव अब कभी नहीं भरेगा। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। पी जाइए। इदं ब्रह्मण अर्पणस्तु। बोलिए। मैं रावण अपने पुत्र मेघनाथ के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए के विहित श्राद्ध कर्म कर रहा हूं। पितामह सभी जीवित हैं, किंतु चौथी पीढ़ी समाप्त हो गई। बस आपको मेरी पीड़ा का भार नहीं है और ना ही उसके प्रति कोई भी सहानुभूति आपको ज्ञात नहीं। एक पिता के लिए सबसे बड़ा भार उसके पुत्र के पिंड को उठाना होता है। ये बोझ तुमने अपने ऊपर स्वयं लिया है रावण। तुम्हारे ही कारण आज हमारे कुल का अंतिम सूर्य भी अस्त हो गया। पुत्र की मृत्यु की वेदना से त्रस्त होके भी यदि रावण में कोई परिवर्तन नहीं आया तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा प्रभु। परंतु अब उसकी क्या चिंता, युद्ध तो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और लंका में अब एक ही योद्धा शेष है, रावण। लंकेश रावण ने अपने कुल के अंतिम कुलदीपक को भी खो दिया है माता, किंतु लंका के इस दुख में भावी सुख निहित है। शीघ्र प्रभु श्री राम रावण का अंत करके उसके पापों से लंका को मुक्त करेंगे, जिसके पश्चात उनका आपसे सुखद पुनर्मिलन होगा। अर्थात अब रावण जो कुछ भी कर ले, प्रभु श्री राम और माता सीता के पुनर्मिलन की घड़ी अब अत्यंत निकट है।
और आपका विश्वास माने हैं तू आपके समक्ष प्रस्तुत है ये मेघनाथ। सारे दीपक बुझ गए, कोई मेरा अपना नहीं बचा। हमारे ही कुल का दीपक प्रतीत हो रहा है, परंतु यदि सब कांत हो गया तो इस दीप की ज्योति कैसे प्रज्वलित है? कौन है वो जो रावण से और इस युद्ध से छिप कर बैठा है? ये आपके ही पुत्र का जीवन दीपक है महाराज। मही रावण नाम है उसका। प्रभु, कल हम रावण को किसी भी अवस्था में युद्ध भूमि से जीवित नहीं लौटने देंगे। कल उसका सर्वनाश निश्चित है प्रभु। क्या हुआ हनुमान, तुम्हें किसी संकट का आभास हुआ है क्या? नहीं प्रभु, संकट नहीं। मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे किसी अपार सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो रहा है। ऋषि अगस्त्य, मैं अगस्त्य स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा हनुमान। हे दशरथ नंदन राम, भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब आप धर्म के सबसे बड़े शत्रु से युद्ध करेंगे। तब कभी बाण रहित ना रहने वाला ये तुड़ीर आपकी सहायता करेगा। प्रणाम। जिस प्रकार आज आपकी विजय हुई है उसी प्रकार भविष्य में इस धर्म युद्ध में आप ही की जय हो। हे महर्षि, आपका आशीर्वाद अवश्य फलित होगा। धर्म इसी प्रकार अपने संपूर्ण बल के साथ अधर्म का सामना करेगा।
अब उस दुष्ट रावण का कोई भी छल, कोई भी शक्ति, कोई भी माया उसे उसकी मृत्यु से नहीं बचा सकेगी ऋषिवर। अवश्य हनुमान, परंतु आज की रात्रि रघुनंदन राम और लक्ष्मण पर आसन्न संकट से उन्हें सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। मैं इसी भावी संकट की सूचना देने यहां आया। ऋषिवर कैसा संकट? वो तो समय आने पर ही ज्ञात होगा हनुमान। ध्यान रहे, सजगता में ही इन दोनों राजपुत्रों की सुरक्षा है। कल्याण हो। ऋषिवर किस भावी संकट का संकेत देकर गए हैं? उस मनहूस का नाम भी आप अपने मुख पर कैसे लाए, जिसे जीवन के प्रारंभ में ही मैंने मृत्यु प्रदान की थी। क्षमा महाराज, क्षमा। उसकी कुरूप छवि से आतंकित होकर ही आपने उसका परित्याग किया था, ये जानते हुए भी उसका नाम ले रहा हूं मैं। कैसे सर्प रूपी भयानक पुत्र को जन्म दिया है तुमने, इसे भूमि की गर्भ में समाहित कर दो। मैं इसे कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। जिसे अशुभ मानकर आपने जीवित ही पृथ्वी में गाड़ देने का आदेश दिया था, आज वही आपका हित कर सकता है महाराज। पृथ्वी में गाड़े जाने के बाद भी वो बचा कैसे? वो आपका ही पुत्र है लंकेश, इतनी सहजता से भला प्राण कैसे खो देता? धरती में गाड़े जाने के बाद वो धरती को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया और सीधा जाकर पाताल लोक में असुर माता सिंहिका के अंक में जा गिरा। असुर माता सिंहिका ने उसका लालन पोषण किया और समस्त असुरी माया की शिक्षा दी। महिरावण बाल्यकाल से ही माता के साथ मिलकर महामाया की पूजा करने लगे। बाल्यकाल से ही महामाया को प्रभावित कर महिरावण ने अव्यस्त और वरदान को प्राप्त किया। एक ऐसी माया जिसको देवता भी नहीं समझ सकते। प्रणाम माता महामाया। पुत्र, मेरे प्रति तुम्हारे समर्पण भाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम सबसे बड़े मायावी बनोगे। फिर उसका क्या हुआ? फिर क्या महाराज, असुर माता सिंहिका अपना दायित्व निभाते निभाते पाताल लोक छोड़कर चली गई और महिरावण कुरूप होने के कारण अन्य बालकों से तिरस्कृत होता रहा। इस बालक को एकाकी देखकर पाताल लोक की राजकुमारी उसे भाई बनाकर अपने साथ राजमहल ले गई, जहां उसका लालन पोषण अन्य राजकुमारों के साथ हुआ। और आज वही आपका महिरावण पाताल लोक का स्वामी है महाराज। और आज वही आपका महिरावण पाताल लोक का स्वामी है महाराज। रावण पुत्र महिरावण, ah!
अब चाहे वो दुष्ट कुछ भी कर ले, हम सब उसकी चुनौतियों का सामना देने के लिए तैयार हैं। स्वयं महर्षि अगस्त्य हमें चेतावनी देने आए थे, अवश्य ही रावण कोई योजना बना रहा होगा। प्रभु, महर्षि अगस्त्य के शब्दों ने हमें चिंता में डाल दिया है, परंतु आपके मुख पर तो चिंता की एक भी रेखा तक उत्पन्न नहीं हुई। हनुमान, जब महाराज सुग्रीव जैसे पराक्रमी राजा का साथ हो, महाराज विभीषण जैसे महारथी का सहयोग प्राप्त हो, महाराज जामवंत जैसे अनुभवी योद्धा का आशीष हो, युवराज अंगद नल नील जैसे वानर योद्धाओं से सज्जित वानर सेना हो, और तुम्हारे जैसे महाबली योद्धा हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हो, तो मुझे और लक्ष्मण को कैसी चिंता, कैसा भय? परंतु प्रभु, यदि स्वयं महर्षि आपकी और भ्राता लक्ष्मण की रक्षा के लिए सचेत होने का सुझाव देकर गए हैं, तो मैं उसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं और सखा आपकी सुरक्षा का विशेष प्रबंध करेंगे प्रभु। मेरा पुत्र महीरावण अब पाताल लोक का महाराज है। मैं महीरावण को बुलाऊं, वो अपने भ्राता के वध का प्रतिशोध लेगा। मायावी शक्तियों से संपन्न वो उस वनवासी और उसकी संपूर्ण वानर सेना का नाश करेगा। नहीं, आश्चर्य है मुझे आपकी कुबुद्धि पर। आपको ये ज्ञात हुआ नहीं कि हमारे कुल का एक दीपक अभी भी प्रज्वलित है और आप उसे भी बुझाने चल दिए? क्या आपको तनिक भी? बंद हो जाए। पिताश्री, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए, समझाइए इन्हें, इन्हें ऐसा मत करने दीजिए। पुत्री मंदोदरी, लंका और राक्षस कुल का मान और सम्मान दांव पर लगा हुआ है। इस समय ऐसी अवस्था में इस युद्ध में विजय प्राप्त करना ही एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये माता आपसे भिक्षा मांगती है, अपने एकमात्र पुत्र के जीवन की भिक्षा। अब केवल वही शेष बचा है, उसे तो जीवित रहने दीजिए। उसे मृत्यु के मुख में मत धकेलिए। पुत्र का धर्म यही है कि वो अपने पिता के काम आए, और यही उसके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी चिता को अग्नि देने के लिए किसी को तो शेष रहने दीजिए। जीवित रहते जो पुत्र मेरा कार्य नहीं कर सकता, वो मेरे मरणोपरांत मेरे किस काम का? मैं महीरावण को बुलाने का निर्णय ले चुका हूं। मैं इसी क्षण प्रभु के लिए ऐसे रक्षा शिविर का निर्माण करूंगा जिसे कोई भी भेद नहीं सकता। मेरी सखा, मेरी पूंछ का शिविर। पूंछ का शिविर? हाँ, मेरी वज्र समान पूंछ को भेद कर कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा, और उस शिविर का द्वारपाल भी मैं
स्वयं रहूंगा। इससे बड़ी कोई अन्य सुरक्षा तो प्रभु के लिए हो ही नहीं सकती। अब मैं रावण और उसकी किसी भी माया को शिविर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। मेरी पारदर्शी देह के कारण मेरी उपस्थिति का इन राक्षसों को आभास भी नहीं होगा। माता महामाया। मेरे इस विशिष्ट पाताल भवन में मेरी इच्छा के विरुद्ध देवाधिदेव शिव, देवी महामाया और मेरे जन्मदाता, मेरे शिव भक्त पिता मात्र ये तीनों ही प्रवेश कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। वो मैं क्या? वो पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस महीरावण को जन्म दिया,
किंतु जन्म सिद्ध अधिकार से मुझे वंचित रखा, जिनका लहू मेरी धमनियों में हर्षण दौड़ता रहा, परंतु उन्होंने अपने जीवन के एक क्षण का भी सानिध्य मुझे नहीं दिया। मुझे इस धरती में समाधिस्थ करके भूल गए, परंतु मैंने अपने जीवन के हर एक क्षण में उन्हें स्मरण रखा, जिनके हृदय के द्वार मेरे लिए सदैव बंद रहे। परंतु मैंने अपने हृदय के द्वार उनकी प्रतीक्षा के लिए सदैव खुले रखे। आज वो पिता जिन्होंने अपना पुत्र धर्म कभी नहीं निभाया, परंतु मैं उन्हें प्रणाम करके अपना पुत्र धर्म अवश्य निभाऊंगा। प्रणाम पिताश्री। आप सब इस प्रकार अब आग से क्यों देख रहे हैं हमें? जिसके प्रति हृदय में भक्ति होती है, उसके प्रति सब कुछ समर्पित करने में ही सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। मैं तो मात्र अपने और अपने सखा की सेवाएं प्रभु को अर्पित कर रहा हूं। आशा है कि यह शिविर आपके लिए सुखदायक होगा। संकट जो रघुबीर पे आयो, पवन तनय ही मार्ग सुझायो, वज्र समान जो पूछ थी पाई, शिविर अभेद सोता से बनाई। प्रभु, आपके लिए शिविर प्रस्तुत है। मैं स्वयं शिविर के द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त रहूंगा। आप निश्चिंत होकर इसमें विश्राम कीजिए। हनुमान, जब तुम्हारे जैसा महायोद्धा द्वार की रक्षा में उपस्थित हो तो चिंता कैसी? जामह श्री रघु नाथ पधारे, द्वार पे हनुमत भय रखवारे, वज्र सुरक्षा नाथ विराजे, काज पुनः कपि राम के साजे। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय, जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। रावण की बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति भी इस शिविर में प्रवेश नहीं कर सकती। वो चाहे तो मेघनाथ से भी बड़ी मायावी शक्ति को क्यों न ढूंढ ले। मेघनाथ की भांति तुम भी तो मेरे पुत्र ही हो। भले ही मैं तुमसे जुड़ा नहीं रहा, परंतु मेरा नाम सदैव तुम्हारे नाम से जुड़ा रहा। मही रावण, जो आज तुम्हारी पहचान है। आज अकस्मात ही
मैं आपके पुत्र मेघनाथ की भांति हो गया। मेरे प्रिय पिताश्री, मैं मेघनाथ जैसा नहीं हूँ, नहीं हूँ मेघनाथ जैसा। जो एक तुच्छ वानर से परास्त हुआ, जो नर एवं वानर के हाथों जिसका वध हो गया, नहीं, मैं मेघनाथ से अधिक मायावी शक्तियों का स्वामी हूँ। पिताश्री, काल हूँ मैं, काल हूँ मैं। उन नर और वानरों के लिए महिरावण हूँ मैं, महिरावण हूँ मैं, महिरावण हूँ मैं। तो तुम्हें सब कुछ ज्ञात है। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से सही, किंतु महान लंकेश रावण का पुत्र महिरावण हूँ मैं। और योग्य पुत्र वही होता है जो अपने पिता से दो डग आगे रहे। मेरे प्रिय पिताश्री, सब ज्ञात है मुझे। उत्तम, अति उत्तम मेरे पुत्र, मुझे गर्व है तुम पर। गर्व? आपके दो प्रतापी पुत्र अक्ष कुमार और मेघनाथ वानर एवं नर के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपका एक भ्राता तो द्रोही निकला और एक भ्राता सर्वशक्तिशाली कुंभकर्ण रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया, और बचे हुए योद्धा तुच्छ वानरों के हाथों परलोक सिधार गए। हाँ पुत्र, हाँ। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक पर स्त्री सीता का हरण कर लिया, मेरे प्यारे पिताश्री। और जब आपका सब कुछ समाप्त हो गया, आपको विवश होकर इस महिरावण के पास आना पड़ा, है ना? नहीं पुत्र, मैं तो दुर्भाग्य है आपका जो आपके इतने विलंब के पश्चात उस पुत्र का स्मरण हुआ जो पराक्रम में आपके पुत्र अक्ष कुमार से अधिक पराक्रमी है, जो माया में आपके पुत्र मेघनाथ से अधिक मायावी, और जो विकरालता में आपके भ्राता शक्तिशाली कुंभकर्ण से अधिक विकराल है। बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो महिरावण, यदि इतना ही घमंड है अपनी शक्ति पर तो जाकर अंत क्यों नहीं कर दिया उस वनवासी और उसकी वानर सेना का? क्या सोचते हैं आप? आपकी चार उकसाने वाली बातों से मैं आपकी बातों में आ जाऊंगा? मेरे प्रिय पिताश्री, मैं आपके पुत्र नहीं, आपके प्रिय पुत्र मेघनाथ की भांति नहीं हूं। बस, बार बार स्मरण मत कराओ मेरे मृत पुत्र मेघनाथ का। पीड़ा होती है ना, होती है ना पीड़ा? बहुत दुख होता है ना पिताश्री, अपने पुत्र से, नहीं नहीं, अपने प्रिय पुत्र से दूर जाने की। मुझे भी दुख हो रहा है, इतने वर्ष हो गए मेरे प्रिय पिताश्री, क्या आपको तनिक भी दुख नहीं हुआ मुझसे इस महिरावण से दूर जाने का? फिर किस बात का पक्ष रखते हो, हाँ, कि मैं वहां जाकर आपका कार्य करूं? नहीं, इस समय मुझे शांत रहकर इस मूर्ख को अन्य युक्ति से मनाना होगा, क्योंकि अब तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो, मेरे पश्चात तुम ही बनोगे इस लंका के लंकाधिपति लंकेश महिरावण। लंकेश महिरावण, अच्छा लगता है सुनने में, कभी अच्छा लगता है
बड़ा ही कर्ण प्रिय लगता है लंकेश महीरावण। परंतु मेरे प्यारे पिताश्री, ये महीरावण भविष्य के सपने नहीं देखता, वर्तमान में विश्वास रखता है। और कौन जाने कल आपके पश्चात ये लंका ही ना रहे। बात करना है तो आज की कीजिए, आज और इसी क्षण। क्या दे सकते हैं आप मुझे? महाराज सुग्रीव, आप भी विश्राम कीजिए। यहां के लिए आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी इच्छा के बिना यहां पर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। किंतु हनुमान, ऋषिवर अगस्त्य को किसी अनिष्ट का संदेह हुआ होगा, इसीलिए तो उन्होंने इस विशेष सुरक्षा का सुझाव दिया था। महाराज, आप सब मुझ पर विश्वास रखिए। जाइए, आप सब निश्चिंत होकर निद्रा लीन हो जाइए, जिससे कि कल के युद्ध में रावण का सामना करने के लिए पूर्ण स्फूर्ति के साथ सब रणभूमि में उतर सकें। हनुमान सत्य कह रहे हैं, रावण घायल सिंह की भांति दुर्दांत हो गया है। कल रावण की भयता का दमन करने के लिए हमें अपनी पूर्ण शक्ति और सजगता को सजो कर रखना होगा कल के लिए। ठीक है हनुमान, कदाचित कल प्रातःकाल आरंभ होने वाला युद्ध निर्णायक युद्ध हो, इसलिए आप सभी को अपने अपने कक्ष में जाकर विश्राम करना चाहिए। पुत्र महीरावण, वो दोनों वनवासी रघुकुल के राजकुमार हैं। अत्यंत प्रतापी, सर्वगुण संपन्न, विकट तेजस्वी और महाज्ञानी, धर्म पालक, तन मन से सुंदर, सात्विक एवं शुद्ध आत्मा। सत्य तो यह है कि उनका ज्येष्ठ भ्राता ही अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अकस्मात ही अपने शत्रुओं की इतनी प्रशंसा, ये हो क्या गया है पिताश्री को? ये सत्य है महीरावण कि तुम महामाया की प्रसन्नता के लिए तंत्र साधना करते हो, और तंत्र साधना के लिए उन दो वनवासियों से अच्छा बलि का पात्र और कोई नहीं हो सकता। उन दो शुद्ध आत्मा राजकुमारों की बलि चढ़ाने से महामाया अति प्रसन्न हो सकती है। क्या तुम ऐसा स्वर्णिम अवसर छोड़ देना चाहते हो? सोचो महीरावन, सोचो, ऐसी शुद्ध आत्माओं की बलि पाकर देवी महामाया तुम्हें कैसी कैसी दुर्लभ शक्तियां प्रदान करेगी। उत्तम, अति उत्तम। मैं चढ़ाऊंगा उन दो रघुवंशियों की बलि देवी महामाया के चरणों में। आज रात्रि की घड़ी परीक्षा की घड़ी है, मुझे क्षण प्रतिक्षण सतर्क रहना होगा। क्यों पिताश्री, मायावी दर्पण देखकर चौंक गए ना? ये तो तुच्छ सा उदाहरण है मेरी मायावी शक्ति का। इसके द्वारा आप देख सकते हो कि वो दो रघुवंशी वनवासी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं।
वो दो वनवासी रघुवंशी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये वानर देख रहे हो मेरे पुत्र? ये बड़ा ही मायावी वानर है। अवश्य इसी की पूंछ से बने हुए शिविर में होंगे वो दोनों वनवासी। प्रतीत होता है कि उन्हें आभास हो गया कि मैं तुम्हें भेज सकता हूं। परंतु पिताश्री, महिरावण हूं मैं, जो एक बार ठान लिया बस करके ही रहता हूं। मुझसे बचा नहीं पाएगा ये तुच्छ वानर, उन दो रघुवंशियों को नहीं बचा पाएगा। किंतु स्मरण रहे मेरे पुत्र, ये वानर बाल अवस्था से ही राक्षसों का काल बना हुआ। हाँ पता है, और बड़े होकर इसने आपकी वाटिका उजाड़ी, लंका का दहन किया, नवग्रहों को मुक्त करा के मेघनाथ की मृत्यु का योग बनाया। किंतु जिस महिरावण को धरती की घुटन भरी समाधि भी नहीं मार सकी, उसका क्या अहित करेगा ये तुच्छ वानर? पिताश्री, आप निश्चिंत होकर जाइए, प्रातः काल तक आपका ये महिरावण आपके शत्रुओं की बलि चढ़ा चुका होगा। उचित है महिरावण, परंतु ध्यान रहे उस वानर से सदैव सावधान रहना। वानर बहुत ही सजग एवं सतर्क दिख रहा है ये वानर। देखते हैं कितने सतर्क हो। पिपीलिका, पिपीलिका, मेरे समक्ष उपस्थित हो जाओ। प्रणाम महाराज महिरावण। पिपलियों की रानी पिपलिका आपकी सेवा में उपस्थित है, आज्ञा दीजिए। ये देखो रानी पिपलिका, लंका की भूमि पर बना हुआ एक लांगूल शिविर। और इस लांगूल शिविर में दो रघुवंशी वनवासी भाई, ये दोनों मुझे इस महिरावण को यहां, मुझे यहां चाहिए। बहुत ही साधारण सा कार्य है महाराज। हाँ? मेरी ये छोटी छोटी पिपलियां इनकी शयन धारा के साथ ही इन्हें यहां ले आएगी।
एक बार ये चींटियां इनको अपना जहरीला डंक मार दें, फिर मैं अपना काम करूंगा। देख रहे हैं महाराज, मेरी पिपलियों की कार्य कुशलता। अभी तो बहुत रात्रि शेष है, रात्रि व्यतीत करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। समय व्यतीत करने के लिए प्रभु श्री राम के कीर्तन से कोई भी अधिक उत्तम कार्य तो है ही नहीं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। पिपली गांव ने ये कार्य क्यों रोक दिया? राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। ये हो क्या गया है पिपली गांव को? राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। उस वानर ने अपने मधुर स्वर से लगता है मेरी पिपलियों को वश में कर दिया है, किंतु वो वानर मुझे वश में नहीं कर सकता। महाराज, मुझे वहां जाने के लिए प्रस्थान की अनुमति दीजिए। मेरी अंगार माया से ना तो ये भक्त बनी पिपलिकाएं बच पाएंगी और ना ये तुच्छ वानर। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। उन्हें ज्ञात भी नहीं हो पाएगा कि उन पे विनाशकारी अंगारों की वर्षा हो जाएगी। जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। घोर आश्चर्य, अंगार वर्षा फूल वर्षा कैसे बन गई? जय जय श्री राम।
मेरा। पिपीलिका का डंक टूटकर चकनाचूर कैसे हो गया? रघुपति राघव राजा। किंतु भजन में मग्न ये वानर, इसको तो आभास तक नहीं हुआ, ये सब कैसे हो गया? अवश्य इस वानर की त्वचा लोहे से भी कठोर है। कोई बात नहीं वानर, ये मेरा पूर्ण कार्य मेरे दो अलक्ष दैत्य पूरा करेंगे। जय जय श्री राम। महामायावी दैत्य आराहस्त और पाषाण भेदी, उस वानर के पूंछ से बने शिविर में सेंध लगाकर उसके भीतर जो नर है उसे लेकर आओ। जो आज्ञा स्वामी। हाँ, चले शिविर की ओर। परंतु उस वानर से सावधान रहना, वो कुछ करे उससे पहले कार्य संपन्न होना चाहिए। हनुमान, युद्ध की भीषणता के मध्य तुम्हारे इस मधुर भजन ने आनंद और स्फूर्ति से भर दिया है सबको। धन्यवाद लक्ष्मण भैया, परंतु प्रभु श्री राम का नाम ही मधुरता का भंडार है और उनके नाम संकीर्तन तो आनंद का सागर है, जिसे गाने वाला और सुनने वाला आनंद से झूम ही उठता है। जय श्री राम। मुझे किसी के शिविर की ओर आने का आभास हो रहा है। ये कैसे हो गया? मेरे दैत्य तो अलक्ष्य हैं, जिनकी उपस्थिति के बारे में किसी को ज्ञात तक नहीं होता। उनके आक्रमण से पूर्व उस वानर को उसका आभास कैसे हुआ? कोई तो है। कोई तो है। किंतु ये है कहां? मुझे ऐसा क्यों आभास हुआ जैसे कि किसी ने सखा को स्पर्श किया हो? नहीं, ये अवश्य ही एक भ्रम मात्र है। ये क्या? एक और आश्चर्य, पाषाण भेदी का प्रहार इतना प्रभाव भी नहीं छोड़ पाया कि उस वानर को उसका आभास भी नहीं हो रहा है। और ऊपर से ये मूर्ख आराहस्त उस वानर की पूंछ काटने के स्थान पर
भयभीत होकर बिना प्रहार किए वापस लौट रहा है। बहुत अच्छे आरास्त, वार करो उस पर, तुम अवश्य सफल होगे। तो है नहीं हनुमान, ये अवश्य ही एक भ्रम मात्र है। इस वानर की पूछ क्या धातु की बनी है क्या कि इतने भीषण प्रहारों के पश्चात भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, और ना ही इन प्रहारों से इससे किसी बात का आभास हो रहा है। पिता श्री लंकेश सत्य ही कह रहे थे, उस वानर से सावधान रहना। रात्रि का अंधकार और गहन होता जा रहा है, मुझे और अधिक सावधान रहना होगा। तुम कितने भी सावधान हो जाओ वानर, परंतु इस महिरावण से बच नहीं पाओगे, और ना ही बचा पाओगे उन दो रघुवंशियों को, क्योंकि मैं स्वयं आऊंगा, लंकापति रावण का पुत्र महिरावण स्वयं आएगा। तुम बस इसी तरह बैठे रहोगे, और मैं उन दो रघुवंशियों को लेकर चला जाऊंगा। और जब तक तुम्हें ज्ञात होगा तब तक मैं मही रावण उन दो रघुवंशियों की बलि चढ़ा दूंगा, चढ़ा दूंगा। ये मेरा अदृश्य गंध रहित मायावी धूम्र तुम्हें शीघ्र ही निद्रा लीन कर देगा वानर, और तब तुम्हारे होते हुए भी मैं उन दो रघुवंशियों को यहां से ले जाऊंगा बलि चढ़ाने के लिए। कुछ तो संदेहास्पद है, मुझे नकारात्मक ऊर्जा का आभास हो रहा है। इस मायावी धूम्र का इस वानर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, धूम्र की गहनता और बढ़ानी होगी। ऋषिवर अगस्त जी ने भी आकर सचेत किया था, किसी भी स्थिति में मुझे यहां प्रभु की सुरक्षा के लिए डटे रहना चाहिए। अब भी इस पर प्रभाव नहीं हुआ, धूम्र को और विषाक्त करना होगा इस वानर के लिए। हाँ,
घोर आश्चर्य, जाने किस मिट्टी के तत्व का बना हुआ ये वानर। राक्षसों का वार निष्प्रभाव हो गया, मायावी विषाक्त धूम्र का वार विफल हो गया। इस वानर बुद्धि को युक्ति से मूर्ख बनाना ही होगा। सर्वप्रथम इस वानर के दुर्बलता के विषय में ज्ञात करना होगा। इसका मुखड़ा, इसके नेत्र बताएंगे इस वानर का भूतकाल। इसके जीवन में झांक कर ज्ञात कर लूंगा इसकी दुर्बलता। युद्ध कौशल में पारंगत है ये वानर, मात्र इसकी शक्ति दिखाई दे रही है, कहीं दुर्बलता तो दिखाई नहीं दे रही। कुछ तो होगा जिससे सर्वशक्तिमान होते हुए भी दुर्बल पड़ जाता होगा। आप आहत नहीं हो सकते, सुनिए मेरे स्वर। हे राम भक्त, कृपया अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करें। मैं लंकेश रावण का अनुज भ्राता विभीषण। वानर शक्तिशाली है, कोई दुर्बलता इसमें नहीं है। इसकी देह भले ही वज्र के समान कठोर है, किंतु इसका हृदय बहुत ही कोमल एवं भावुक है। अपनों के लिए प्रेम, श्रद्धा एवं सम्मान होना श्रेष्ठता का प्रमाण है, किंतु इसी श्रेष्ठता को मैं दुर्बलता बनाऊंगा इसकी। और मेरी युक्ति में मेरे कार्य आएंगे द्रोही काका विभीषण। महीरावन मेरे पुत्र, जो कार्य अक्ष कुमार, कुंभकर्ण और मेघनाथ नहीं कर पाए, मुझे विश्वास है कि वो कार्य अवश्य ही तुम पूर्ण करोगे मेरे पुत्र। जिसे कभी आपने अपना रथ नहीं माना, जिसे मृत्यु के मुख में डालकर भूल गए, आज अकस्मात ही वो आपका प्रिय पुत्र हो गए, मात्र इसलिए क्योंकि हम वो भी बलि चढ़ने के लिए मान गए। बस 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 बस, महारानी मंदोदरी, जो आवश्यकता पड़ने पर काम आए वही अपना होता है, विभीषण जैसा नहीं जो सत्ता के लोभ में जाकर शत्रुओं से मिल गया। परंतु इस बार वो घर का भेदी भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भी मही रावण के बारे में कुछ नहीं जानता। विभीषण जी, आप यहां? क्या हुआ, आप कुछ विचलित से प्रतीत हो रहे हैं, कोई समस्या है क्या? नहीं, मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे मैं बहुत समय सोता रहा और सिर में कुछ भारी भारी सा प्रतीत हो रहा है। मेघनाथ के साथ भीषण युद्ध हुआ था ना आपका, कदाचित इसीलिए क्लांत हो गए हैं आप। आपका भी तो भीषण युद्ध हुआ था, किंतु मैं देख रहा हूं आप तनिक भी क्लांत नहीं हुए,
पूर्ण स्फूर्ति के साथ प्रभु के द्वार की रक्षा कर रहे। प्रभु श्री राम के कार्य से मैं कैसे क्लांत हो सकता हूँ भला? हाँ, वैसे भी ये कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राक्षस कोई भी माया कर सकते हैं, किसी का भी रूप धारण करके समक्ष आ जाएंगे, अपना कार्य कर जाएंगे और किसी को भी उनकी माया का आभास नहीं होगा। मैं रावण की माया से कोई नहीं बच पाया। इसलिए शिविर में किसी को भी प्रवेश करने मत दीजिएगा, मुझ स्वयं को भी नहीं। मैं भी कोई मायावी राक्षस हो सकता हूं। आप चिंता मत कीजिए विभीषण जी, मैं पूर्णतया सजग हूं। मेरे रहते प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण का कोई अहित नहीं कर सकता। हाँ, संपूर्ण रात्रि ऐसे ही सजगता बनाए रखिएगा। अब मैं भीतर जाके प्रभु को भी देख लूं, वो पूर्णता कुशल तो है या नहीं, उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता तो नहीं। मैं जाकर देखूं। रुक जाइए, कहीं इसे मुझ पर संदेह तो नहीं हो गया? तो आप मुझ पर भी संदेह कर रहे हैं हनुमान? हाँ, विभीषण जी का रूप धारण करने वाले किसी भी राक्षस को कैसे प्रवेश करने दे सकता हूं मैं? कहीं मैंने कुछ अधिक तो नहीं बोल दिया? विभीषण जी, आप ही ने तो कहा था, इसीलिए मैं अपनी सजगता प्रदर्शन कर रहा था। आप पर संदेह कदापि नहीं है। आपको भला प्रभु दर्शन से कैसे रोक सकता हूं मैं? मूर्ख वानर अपनेपन की बातों में आ ही गया। अपने गुरु, माता पिता, प्रभु या प्रियजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान सज्जनों की पहचान होती है, किंतु दुष्ट मनुष्य इसी सज्जनता का लाभ उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ये राक्षस भी हनुमान की इसी सज्जनता को अपना अस्त्र बना लेते हैं। इसलिए माया सीता को देखते हुए भ्रमित हुए हनुमान माता ऋषि रूप धारण किए काल नेमी को नहीं पहचान पाए। प्रणाम गुरुदेव। और अब विभीषण के भेष में आए महिरावण को भी सम्मान एवं अपरत्व के कारण भी नहीं पहचान पाए हनुमान। किंतु इस प्रकार तो श्री राम और लक्ष्मण संकट में पड़ सकते हैं। तो ये हैं रघुवंशी राजकुमार राम एवं लक्ष्मण। ये राम तो सत्य में ही दिव्य आत्मा है, इससे उत्तम बलि तो कोई और हो ही नहीं सकती। राजकुमार लक्ष्मण तुम्हें कुछ भी करने का अवसर नहीं देगा महिरावण। माता महामाया का मायावी धागा बांधकर तुम्हें अचेत कर देगा। महिरावण
मैं रावण की माया से कोई नहीं बच पाया। अब मैं रावण पुनः उसी रूप में बाहर जाएगा जिस रूप में भीतर प्रवेश किया था, और इस बार भी मेरे इस छद्म रूप को वो वानर पहचान नहीं पाएगा। तुम्हारी सज्जनता के कारण तुम पुनः मूर्ख बन गए मन बुद्धि वानर। तुम्हारे नेत्रों के समक्ष तुम्हारे प्रभु और उनके अनुज को ले जाएगा मही रावण। मही रावण की माया को कोई नहीं समझ पाया। मही रावण की माया को कोई नहीं समझ पाया। हनुमान, हनुमान, राम द्वारे तुम रखवारे, फिर किस बात की चिंता। प्रभु सुख की नींद में डूबे हैं और लक्ष्मण जी भी निश्चिंत हैं, क्योंकि आप उनके द्वार की पूर्ण सजगता से रक्षा कर रहे हैं। अभी रात्रि शेष है, ऐसे ही सुरक्षा करते रहिएगा। अवश्य विभीषण जी, मेरी इच्छा के बिना वायु भी प्रवेश नहीं कर सकता शिविर में। आप भी निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। उत्तम हनुमान, अति उत्तम। मेरे प्यारे पिताश्री, आपके शत्रु दो रघुवंशी राम एवं लक्ष्मण अब मेरे वश में है, और शीघ्र ही मैं इन दोनों की बलि चढ़ा दूंगा माता महामाया के चरणों में। मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे मैं बहुत समय से सो रहा था, और सिर में कुछ भारी भारी सा प्रतीत हो रहा है। मैंने कहा तो था कि मेघनाथ के साथ भीषण युद्ध हुआ था आपका, इसीलिए आप क्लांत हो गए हैं। आपने कहा था कब, मुझे तो ज्ञात नहीं। आपका भी तो भीषण युद्ध हुआ था, किंतु मैं देख रहा हूं आप तनिक भी क्लांत नहीं हुए, पूर्ण स्फूर्ति के साथ प्रभु के द्वार की रक्षा कर रहे। विभीषण जी, आपको हो क्या गया है?
कहीं आप मुझे वानर समझकर मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं? आपको तो ज्ञात है कि मैं प्रभु श्री राम के कार्य से कभी भी क्लांत नहीं हो सकता। हाँ, वैसे ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। राक्षस कोई भी माया कर सकते हैं, किसी का भी रूप धारण करके समक्ष आ जाएंगे, अपना कार्य कर जाएंगे और किसी को भी उनकी माया का आभास नहीं होगा। विभीषण जी पूर्व में कही हुई बात को पुनः क्यों दोहरा रहे हैं? ये मेरी परीक्षा है या कहीं किसी प्रकार का छल है ये? इसलिए किसी को भी शिविर में प्रवेश करने मत दीजिएगा, मुझ स्वयं को भी नहीं। मैं भी कोई मायावी राक्षस हो सकता हूं, समझ रहे हैं ना? किसी का भी विश्वास मत कीजिएगा, किसी का भी रूप धारण करके समक्ष आ जाएंगे, अपना कार्य कर जाएंगे और किसी को भी उनकी माया का आभास नहीं होगा। पिछली बार विभीषण जी के बोलने में और अब बोलने में अंतर तो प्रतीत हो रहा है। पूर्व में जब विभीषण जी बोल रहे थे तो कुछ कर्कश थे इनकी भाषा में, किंतु अब इनकी भाषा में नम्रता लक्षित हो रही है। इसका अर्थ है वो महाराज विभीषण नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु, प्रभु! भ्रमित हो गया वो वानर। महिरावण की माया से कोई नहीं बच पाया अपने मुष्टि के प्रहार से। काका, सर्वशक्तिशाली कुंभकर्ण, माया भी मेघनाथ को धराशायी करने वाला नहीं, वो तुच्छ वानर मेरी माया के समक्ष परास्त हो ही गया। प्रभु, प्रभु, असुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति छल और माया का सहारा लेते हैं, किंतु हमें सदा धर्म और नैतिकता का ही साथ देना चाहिए।